अस्सलामुअलैकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलोवेरा के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। और जो मेरा मसला है वो ये है कि एलोवेरा ऐसे नहीं निकला जाता। तो एलोवेरा को जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं और जिनको इसका जायका नहीं पसंद आता, मेरी ना एक दफ़ा हेल्पर ने मुझे कहा कि आप अपनी स्किन पे एलोवेरा लगाएं, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैंने लगा तो लिया, लेकिन इतनी मुझे उसकी स्मेल से इरीटेशन हुई, क्योंकि शायद आदत नहीं थी या जो भी था। सो इसको निगलना कैसे है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि एलोवेरा को आखिर निगलना कैसे है, क्योंकि हर कोई नहीं इसका जेल निकाल के तो को आसानी से निकल सकता। मैं तो एटलीस्ट नहीं निकल सकती। तो जाहिर है बहुत सारे आप लोगों में से भी लोग होंगे जो इसको निगल नहीं पाते। बेसिकली आपने करना क्या है, उसको स्टेम के पास से एलोवेरा को काटना है। ज़्यादातर जो उसके बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके स्टेम के पास होते हैं। स्टेम को नहीं काटना, उसके स्टेम के पास से, यानी जितना नीचे से हो सके एलोवेरा को काटें। उसके बाद उसको ले आएँ, ला के आपने उसको अंदर से, उसको दरमियान से कट लगाना है। जो उसका येलो वाला जो अंदर से पानी निकल रहा होता है उसको डिस्कार्ड कर देना है। वो पॉइजनस भी हो सकता है, क्योंकि जब आप एलोवेरा को काटते हैं उसका सारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो उसका डिफेंस सिस्टम है, वो सारा एक्टिव हो जाता है। उसको पता चल जाता है उस पर अटैक हुआ है। तो जो येलो वाला चीज़ है वो बेसिकली उसके डिफेंस मैकेनिज्म से एसोसिएटेड होती है। उसको आप डिस्कार्ड कर दें। जो अंदर से जेल है वो स्पून से आप बाहर निकाल के 2 टेबल स्पून आपने आइस क्यूब्स के अंदर डाल देना है। मतलब उसके आइस क्यूब्स बना के आप उन आइस क्यूब्स को निगल लेंगे तो निगला जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप एलोवेरा को निगलें, वो नहीं निगला जाएगा। और एक और चीज़ की कोशिश करें, वो ये है कि जब आप एलोवेरा को लेकर आएँ उसको आधे घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हुआ होता है। हर चीज़ का हो जाता है, नेचुरल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर अटैक होता है तो डिफेंस मैकेनिज्म तो एक्टिव हो जाता है। सो एलोवेरा को जब आप काट के लेकर आएँ, 30 मिनट उसको पड़ा रहने दें, फिर उसको अच्छे से वॉश करके जो येलो उसका लिक्विड निकल रहा होता है उसको डिस्कार्ड कर दें। जो अंदर से जेल है उसको निकाल के आपने उसको आइस क्यूब्स की फॉर्म में इस्तेमाल करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हमने इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो ये शुगर से बचाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये चीज़। बाकायदा रिसर्च सपोर्ट करती हैं कि जो लोग इसका 2 टेबल स्पून एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं उनकी शुगर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, उनका शुगर लेवल जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। सो सबसे पहला फ़ायदा इसका यह है कि ये शुगर से बचाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का या पाइल्स का मसला रहता है, बवासीर का या कब्ज़ का मसला रहता है, वो इसका इस्तेमाल बाकायदा से करें। कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स का मसला जो है वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 टेबलस्पून जब इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है। अगर ऐसा कोई मसला हुआ है आपके साथ तो आपने 1 टीस्पून से इस्तेमाल करना है, इसकी टॉलरेंस डेवलप होनी होती है। जैसे सना मक्की के केस में हमने डिस्कस किया था कि आप अगर इकट्ठे इतना ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर देंगे, कितने लोग हॉस्पिटल सना मक्की इस्तेमाल करके पहुंच गए थे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हम बच्चे को जब कोई फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं। एलोवेरा का अगर आपने जिंदगी कभी इस्तेमाल नहीं किया और एकदम आप 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे, पेट खराब होगा। 1 टीस्पून से शुरू करें एंड इसकी ग्रेजुअल जो इसकी इंटेक है वो 2 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून आप फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स के लिए एंड ब्लड प्रेशर के लिए। जो शुगर है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का मसला रहा है या है, या जिनकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, वो मुहतात होना चाहती हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। एक रिसर्च अल्टरनेटिव मेडिसिन की इस चीज़ को सपोर्ट करती है। मैं फिर कह रही हूँ, एक रिसर्च अल्टरनेटिव मेडिसिन की इस चीज़ को सपोर्ट करती है, सिर्फ एक रिसर्च, कि आप अगर ब्रेस्ट कैंसर में इसको इस्तेमाल करते हैं या ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए, या ब्रेस्ट कैंसर कभी रहा है और उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपकी हेल्थ है वो ओवरऑल बेहतर होना शुरू हो जाती है। और जिन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर खुद तो नहीं रहा लेकिन उनकी फैमिली में हिस्ट्री रही है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर से कुछ हद तक बच सकते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए, बाकी बीमारियां जो मैंने बताई उनसे बचने के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा, ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा। ओरल हाइजीन से मुराद ये कि अगर आप माउथ वॉश इस्तेमाल नहीं करना चाहते फॉर सो मेनी रीजंस, अक्सर डेंटिस्ट भी, ज़ाहिर है मैं खुद डेंटिस्ट नहीं हूँ तो मैं सही तरीके से इस बारे में बात नहीं कर सकती। अक्सर डेंटिस्ट कहते हैं रोज़ माउथ वॉश इस्तेमाल ना करो, लेकिन अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यानी हाजमे से रिलेटेड जो आपकी हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन को ना सिर्फ इसको मुंह पे लेप लगाने के लिए ये बहुत अच्छा है, बल्कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी स्किन को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। हम इसके एक्सटर्नल यूज़ से वाकिफ़ हैं। हम अक्सर, हम अगर
कोई टोटका शोटका देखते हैं तो उसमें एलोवेरा जेल इस्तेमाल हो रहा होता है, कभी बालों पे लग रहा होता है, कभी स्किन पे लग रहा होता है, तो एक्सटर्नल यूजेस से हम इसके बिलाशुबा वाकिफ हैं। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी काम करता है। अक्सर एलोवेरा जेल के साथ ख़वातीन ने डिफरेंट चीज़ें मिला के रखी हुई होती हैं, वो बालों पर लगा रही होती हैं, स्किन पर लगा रही होती हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो एलोवेरा जेल के अंदर थोड़ा सा कंडिशनर डालती है और थोड़ा सा प्याज का पानी डाल के वो अपने बालों पर लगाती है। सो एक्सटर्नल यूजेस तो हम सब करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं, और नो डाउट कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए अच्छा, लेकिन अगर आप इसको निकलना चाहते हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ डाइट के तौर पे, तो आप इसका इस्तेमाल आइस क्यूब्स की फॉर्म में करें तो ये आसानी से निकला जाएगा। अगर आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेरी जो मदर इन लॉ है वो इसको ब्लेंड करके अपनी शेक के साथ या स्मूदी के साथ इस्तेमाल कर लेती हैं, अगर आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप इसको वैसे चम्मच से निकल सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं निकल सकते वो आइस क्यूब्स की फॉर्म में इस्तेमाल करें। वेरियस बीमारियों के अगेंस्ट, वेरियस डिजीजेस के अगेंस्ट बचाव में ये हेल्पफुल साबित होता है। बीमारियां मैंने आपको बता दी हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल ना करें, जिनका पेट अक्सर ख़राब रहता है, जिनका पेट आए दिन ख़राब रहता है, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त थोड़ी सी लो है, जो लोग IBS के पेशेंट्स हैं, यानी कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के पेशेंट हैं, जिनको या तो कॉन्स्टिपेशन रहती है या उनका पेट ख़राब रहता है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, पेट ख़राब होना जो है हो सकता है कि उनका पेट फौरन ख़राब हो जाए। IBS के पेशेंट्स ने स्टार्ट इसका 1 टीस्पून से करना है, जब टॉलरेंस डेवलप हो जाए तो वो 2 टेबलस्पून तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा, एकदम 2 टेबलस्पून अगर इस्तेमाल करेंगे तो पेट ख़राब हो जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।